इस अध्याय के अंतर्गत हम सबसे पहले क्या सीखेंगे लिंग की परिभाषा यानी लिंक किसे कहते हैं उसके बाद हम सीखेंगे उसके भेद कितने हैं और उनके उदाहरण भी तो चलिए हम सबसे पहले सीखते हैं लिंक किसे कहते हैं पुरुष जाति स्त्री जाति अध्यापक अध्यापिका मुर्गा मुर्गी तो देखिए इन शब्दों को पढ़ने के बाद आपको पता चल रहा है कि ये अध्यापक पुरुष जाति का शब्द है और अध्यापिका स्त्री जाति का मुर्गा पुरुष जाति मुर्गी स्त्री जाति संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं यानी जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है उसे हम लिंग कहते हैं लिंग के भेद अब हम क्या सीखेंगे लिंग के भेद यानी लिंग कितने प्रकार के होते हैं तो लिंग दो प्रकार के होते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या होते हैं पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द और स्त्रीलिंग स्त्री, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द तो चलिए इनको हम विस्तार पूर्वक समझते हैं देखिए पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं दादा माली कबूतर ये जो शब्द लिखे हुए हैं इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि ये पुरुष जाति के शब्द हैं तो हम इसे क्या कहेंगे पुल्लिंग का स्त्रीलिंग स्त्री, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं दादी मालिन कबूतरी इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि ये स्त्री जाति के शब्द हैं तो हम इसे क्या कहेंगे स्त्रीलिंग अब देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा ही पुल्लिंग रहते हैं वो शब्द भी मैं आपको समझा देती हूं हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द नंबर एक पर्वतों के नाम हिमालय कैलाश विंध्यांचल आदि फलों के नाम सेब केला आम संतरा आदि धातुओं के नाम सोना लोहा तांबा अपवाद है चांदी में कि इसको शायद स्त्रीलिंग भी बोल सकते हैं और पुल्लिंग भी अनाजों के नाम गेहूं, चना चावल मक्का आदि वृक्षों के नाम आम नीम पीपल बरगद अशोक आदि ग्रहों के नाम बृहस्पति चंद्रमा मंगल शुक्र आदि महीनों के नाम चैत्र से फागुन तक मार्च अप्रैल जेन जून आदि मार्च अप्रैल जून आदि दिनों के नाम रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति आदि देशों के नाम भारत अमेरिका चीन अफ्रीका आदि नगरों के नाम कोलकाता जयपुर बेंगलोर मथुरा आदि ये हमेशा क्या रहते हैं पुल्लिंग ही रहते हैं अब देखिए पुल्लिंग की पहचान आपको पता होना चाहिए कि पुल्लिंग शब्द की पहचान क्या है जिन शब्दों के अंत में आ पन पा अक तथा न आता हो वे पुल्लिंग शब्द होते हैं जैसे लड़का आ आ रहा है पीछे बचपन पन पन आ रहा है ना पीछे बुढ़ापा पा पा आ रहा है इसके भी पीछे गायक अक गायक के पीछे क्या आ रहा है अक लेन देन पीछे क्या आ रहा है न यानी जिन शब्दों के अंत में आ पन पा अक न आता हो वे क्या कहलाते हैं पुलिंग शब्द कहलाते हैं अब देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग ही रहते हैं ठीक है नदियों के नाम गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा आदि भाषाओं के नाम हिंदी तमिल मराठी पंजाबी उर्दू आदि बोलियों के नाम भोजपुरी अवधि पहाड़ी आदि तिथियों के नाम अमावस्या पूर्णिमा एकादशी आदि ये हमेशा क्या रहते हैं स्त्रीलिंग ही रहते हैं अब देखिए ई अंत वाले शब्द ज़्यादातर स्त्रीलिंग होते हैं इनकी कुछ एक पहचान है कि जिसमें ज़्यादातर ई आता है वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं देखिए चिट्ठी ई पृथ्वी ई पढ़ाई लिखाई कटोरी जलेबी इनके आखिरी में अंत में क्या आ रहा है ई तो ये ज्यादातर ई आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं स्त्रीलिंग होते हैं अभी देखिए स्त्रीलिंग की पहचान क्या होती है पुल्लिंग की पहचान मैं आने आपको बता दिया है अब स्त्रीलिंग की पहचान क्या है जिन शब्दों के अंत में ई आबट आनी आयन ता इन आदि लगा होता है वे स्त्रीलिंग होते हैं देखिए जैसे बोली ई इसमें ई आ रहा है थकावट आवट पीछे आ रहा है आवट दिव्या ईया ई आ रहा है महारानी ई पंडिताइन इन मित्रता ता, धोबिन इन तो जिन शब्दों के अंत में ई, या, आबट आनी आइन ता इन आदि लगा हो वे क्या होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं नंबर पांच है आपका देखिए कुछ शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं यानी चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग दोनों में क्या रहेंगे वो समान रहेंगे जैसे देखिए मंत्री डॉक्टर इंजीनियर खिलाड़ी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आदि ये क्या है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं नंबर सिक्स कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं जैसे खरगोश भालू मच्छर कौआ उल्लू आदि ये क्या है सदैव पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं वो शब्द कौन से हैं देखिए जैसे मछली छिपकली कोयल गिलहरी आदि ये हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं इन शब्दों के स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग बनाने के लिए इनके आगे नर अथवा मादा लगाया जाता है जैसे मादा खरगोश या नर मछली अब जैसे खरगोश है देखिए आप नंबर सिक्स में देखिए खरगोश तो हम खरगोश से नहीं बोलेंगे इसके आगे हम क्या लगा देंगे ये खरगोश है तो अगर हम इसका स्त्रीलिंग इस बनाएंगे तो क्या लगा देंगे इसके आगे मादा खरगोश तो वो स्त्रीलिंग बन जाएगा अभी मछली देखिए मछली स्त्रीलिंग है अगर हमें इसको पुल्लिंग बनाना है तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे नर मछली तो ये पुल्लिंग हो जाएगा ओके सो डियर चिल्ड्रन आई होप इस अध्याय के अंतर्गत जो भी मैंने आपको समझाया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सो थैंक यू टेक केयर गॉड ब्लेस यू